दोस्तों आपको बॉलीवुड की सबसे सुपर डुपर हिट मूवी कुली तो याद ही होगी, जिसका फेमस गाना सारे दुनिया का बोझ हम उठाते हैं आज भी गली मोहल्लों में कहीं ना कहीं सुनाई दे ही जाता है। मगर इस फिल्म में जूली डिकोस्टा का किरदार भुलाई नहीं भूलना जाता, जिसे निभाने वाली एक्ट्रेस ने अपने इस किरदार में अपनी अमीरी और दबदबे में आकर किसी भी नौजवान और गरीब इंसान का चाबुक अपने ऊपर छोड़ा था। जूली की भूमिका को काफी अच्छे तरीके से पर्दे पर पेश किया था, जिसके चलते उस जमाने की लेडी विलन के साथ साथ लेडी किलर भी बन गई थी, जिसे दर्शकों ने इस फिल्म में देखकर काफी पसंद किया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जूली डिकोस्टा का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है और कैसे दिखती है? अगर आप भी इनसे जुड़ी इन सभी जानकारियों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन कूली फिल्म के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म कूली में यादगार रोल जूली डिकोस्टा को निभाने वाली अभिनेत्री का असल नाम रति अग्निहोत्री है, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1960 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ और इसी के चलते इन्होंने सारी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो इन्हें बचपन से ही एक्टिंग फील्ड में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था और मन भी था, तभी तो इन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 20 साल की उम्र में साल 1979 में इन्होंने तमिल फिल्म पुथिया वर्पुगल से अपने अभिनय करके शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने तमिल की कई सारी धमाकेदार और सुपरहिट फिल्मों में काम करके अपनी खासी पहचान बना ली थी। वहीं इन्होंने साल 1981 में जीने की आरजू फिल्म से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा, जिसके बाद ये एक से बढ़कर एक हिट मूवी में काम करती चले गई। मगर साल 1983 में आई फिल्म कुली में जब इन्हें जूली डिकोस्टा का किरदार अदा मिला तो फिर इस फिल्म में इनकी अदायगी को और अमिताभ बच्चन के साथ इनकी लव केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को तो बहुत ज़्यादा तारीफें मिली थी, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। इस फिल्म के बाद भी इन्हें तवायफ, मशाल और पुरानी जीन्स में काम करते हुए देखा गया था। वहीं आखिरी बार साल 2016 में रणबीर द मार्शल फिल्म में दिखाई दे चुकी हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन बीते सालों में इनके बदले हुए रूप के बारे में तो आज ये काफ़ी ज़्यादा बदली हुई दिखाई देती हैं। जहाँ ये इस फिल्म में काफ़ी पतली दुबली और स्लिम दिखाई दी थी तो वहीं आज ये पूरे 60 साल की उम्र में मोटी हो चुकी हैं। साथ ही फिल्म में जहाँ ये स्टाइलिश जीन्स टॉप और बड़े बड़े बूट्स पहने नजर आई थी, वहीं आज ये साड़ी कुर्ता और ट्रेडिशनल आउटफिट में अक्सर नजर आती हैं। वहीं समय के साथ साथ इनकी खूबसूरती में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। जहाँ ये पहले तीखे नैन नक्श में नजर आई थी तो वहीं अब इनकी इन्हीं सुंदरता बढ़ती उम्र के साथ कम होती जा रही है, जिसके चलते अब इनके गाल और डबल चिन भी लटक चुके हैं। इस तरह ये बीते सालों में काफ़ी ऊपर से नीचे तक बदल गई हैं। वहीं अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ की तो इन्होंने साल 1985 में एक जाने माने बिजनेसमैन अनिल वीरवानी के साथ शादी के साथ फेरे लिए थे, जिनसे इन्हें एक बेटा तनुज वीरवानी भी हुआ है। वहीं ये साल 2015 में इन्होंने अपने पति के ऊपर घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम लगाकर उनसे तलाक ले लिया था। वहीं बता दें कि आज इन्होंने अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बना ली है और अब ये फिलहाल अपने बेटे के साथ ही अपने पर्सनल जीवन में यानी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं और व्यस्त हैं। वेल दोस्तों, आपको अभिनेत्री रति अग्निहोत्री की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आती है, आप हमें उस फिल्म का नाम और उनमें इनका कैरेक्टर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही टीवी जगत और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी मसालेदार वीडियोस को देखने के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।